यही टीवी भारत आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, कोर्ट ने गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को किया खारिज। अदालत ने मामले में तथ्यों को दबाने के लिए फटकार भी लगाई। मंत्री आलमगीर आलम को अदालत में किया गया पेश, कोर्ट ने भेजा 5 दिनों की रिमांड पर। 15 मई को गिरफ्तार हुए थे आलमगीर आलम। डायरी ने खोले मंत्री आलमगीर आलम के राज, पैसों के लिए इस्तेमाल होते थे कोड वर्ड। ईडी ने कोर्ट में किया है खुलासा। कैश कांड मामले में एक और अधिकारी को ईडी ने भेजा समन, ग्रामीण विकास में थे वरिष्ठ अधिकारी। 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया जोनल ऑफिस। झारखंड दौरे पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में हुए शामिल, बीजेपी को वोट देने की अपील। धनबाद विधायक और 5 मंडल अध्यक्षों पर शो कॉज को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी नेतृत्व पर उठाए सवाल, पूछा बीजेपी ने अपने ही सांसद विधायक के विरोध करने पर ढुल्लू महतो पर क्यों नहीं की कार्रवाई। बोकारो में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया बयान, कहा झारखंड में 0 पर आउट होगी भाजपा, इंडिया गठबंधन जीतेगी सभी 14 सीट। रांची में वोटिंग के दिन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने की है खास तैयारी, हर मतदान केंद्र पर मौजूद रहेगी मेडिकल टीम, स्वास्थ्य विभाग रहेगा अलर्ट। रांची के रामकृष्ण मिशन फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि, भोपाल और कोलकाता लैब ने की पुष्टि, पक्षियों और अंडों की खरीद बिक्री पर लगी रोक। रांची के मारवाड़ी कॉलेज के छात्र की रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत, दोस्तों के साथ घूमने गया था छात्र, पुलिस करेगी मामले की जांच। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।